EMF induced in a conductor moving in any direction in magnetic field. आपने जो पहले केस किए उसमें क्या किया, रॉड हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव करती है, मतलब लेंथ V और B आपस में 90 डिग्री पे हैं, लेंथ और V 90 पे है और L और V के B भी 90 पे है, तो तीनों के तीनों 90 पे परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है। तो अगर ऐसा केस है फिर तो मैं याद हो गया रिजल्ट, P और Q में मोशनल EMF क्या है, BLV। इस EMF को क्या बोलते हैं, मोशनल EMF, क्योंकि रॉड जब मोशन में है तब ये EMF जनरेट होती है। क्लियर है यहाँ तक? केस नंबर टू, ये थिन रॉड है, पतली रॉड है, अगर ये थिन रॉड है और रॉड को हम ऐसे मूव करवा रहे हैं, पहले केस में रॉड को परपेंडिकुलर, रॉड की लेंथ और वी परपेंडिकुलर है, दूसरे केस में रॉड को कैसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे मूव करवा रहे हैं सच दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो कट करती हुई जा नहीं रही, बीच में से निकल के जा रही है, तो कोई लाइन को कट करेगी नहीं, तो एक एक्सप्लेनेशन ये कहती है इसकी ईएमएफ क्या होगी, जीरो। एक आंसर, अगर ये ऐसे जाएगी तो लाइंस को कट कहां कर रही है, लाइंस तो ऐसी हैं और बीच में किसी के निकल आई, लाइंस को कट करना जरूरी है ना, सोचो यहां लाइंस ही लाइंस आ रही हैं, इधर भी लाइंस, इधर बीच में से निकल गई, कट ही नहीं कर रही, तो जीरो। अच्छा, ये नहीं समझ में आया, एक और तरीका बताता हूं। फैराडे ये कहता है कि अगर लेंथ और वी में एंगल 90 है तो ही ईएमएफ जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होती। अब देखो कैसे, इसके अंदर लेंथ और वी में एंगल क्या है, जीरो, ईएमएफ जनरेट ही नहीं होती। जब तक एंगल 90 नहीं बनेगा ना वी और बी का, इसका लेंथ का, ईएमएफ जनरेट ही नहीं होती। लो, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कोई, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि अगर आपने रॉड को, रॉड की लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल कर दी, ईएमएफ जनरेट नहीं होती थिन रॉड में। पर क्या होगा अगर ये रॉड थोड़ी मोटी होती, अगर ये मोटी होती और मोटी होती, तो फिर कोई ना कोई लाइन को तो कट करके जाती, फिर तो ईएमएफ जनरेट होती। लेकिन जो ईएमएफ जो भी जनरेट होती वो इसके अक्रॉस जनरेट कभी ना होती। ईएमएफ हमेशा कहाँ जनरेट होती है, अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो ईएमएफ के पॉइंट्स परपेंडिकुलर होते हैं, देखो पी और क्यू के बीच में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं, तो अगर वेलोसिटी इधर है तो ईएमएफ पी और क्यू में जनरेट नहीं हो सकती, एक्स और वाई में, इस और इस एंड में जनरेट होगी, अगर ये रॉड थिक होती तो, थिन में तो होती नहीं, थिक होती तो फिर ये होती, ये ना होती। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है कि अगर वेलोसिटी इस तरफ है, लेंथ भी इस तरफ है और रॉड थिन है, ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। अगर रॉड थिक है और वेलोसिटी इस तरफ है तो ईएमएफ के जो दो पॉइंट्स आएंगे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे ऐसे लेंथ वाइज, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कभी ईएमएफ जनरेट नहीं होती, वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है यहां तक? वैसे तो थिन रॉड्स पे क्वेश्चन आता, थिक पे आता ही नहीं है, तो आंसर इसका स्ट्रेट वे क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर है? जैसे तीसरा केस है, इस बार रॉड टेढ़ी है और वेलोसिटी ये देखो ये रही, इस बार लेंथ में और वेलोसिटी में एंगल क्या है, थीटा। हम सिंपली एक काम करते हैं, इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेते हैं, पहला कंपोनेंट वी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा और लेंथ सेम लाइन में है तो वी कॉस थीटा कभी भी ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि लेंथ के पैरेलल है। कौन सी वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगी, जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, और लेंथ के परपेंडिकुलर कौन है, वी साइन थीटा। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल इंटू वी, नहीं वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वी कॉस थीटा लेंथ के साथ चल रहा है। कौन सी वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर है लेंथ के, वी साइन थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, वी साइन थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, जैसे 90 डिग्री वाला कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का, बस ठीक है। अब रॉड टेढ़ी मेढ़ी कर दी, जब रॉड टेढ़ी मेढ़ी कर दी उसको मूव करवा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपने लेंथ लेनी नहीं है, आपने क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी लेनी है, तो आपने ये मानना है कि आपकी रॉड ए बी है और वेलोसिटी वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो सीधा आंसर क्या होगा, बी एल वी, सिंपल। उसी तरीके से अगर ये लूप है या रॉड है और वेलोसिटी टेढ़ी है मेकिंग, और आपने ये तो लेना नहीं है, आपने तो ये लेना है, तो आपके हिसाब से एल लेंथ की रॉड है, वी वेलोसिटी है, वी के तो कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा वी साइन थीटा,
वी कॉस थीटा कोई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नहीं लेंथ के अलॉन्ग, वी साइन थीटा एल के 90 डिग्री पे है, तो ईएमएफ क्या होगी, बी एल इंटू वी साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो आपने सिंपली बस ये काम करना है। ठीक, जैसे सपोज आपके पास ये एक रॉड है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, आपको ईएमएफ निकालनी है कहां पर, पी और आर के बीच में। तो क्योंकि ये कर्व है आपको क्या लेनी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आर और आर, टू आर। तो आप अपने मन में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, पी ये एक रॉड है टू आर और इसको मूव करवा रहे हैं राइट विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, तो बताओ आंसर क्या होगा ईएमएफ का, जीरो, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी सेम लाइन में है, तो इसलिए इसका आंसर ईएमएफ का क्या आएगा, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फिर से, तो इसके अंदर ये रॉड है, आपने टेढ़ी रॉड तो लेनी नहीं, आपने डिस्प्लेसमेंट लेनी है, तो पी से आर डिस्प्लेसमेंट टू आर है, तो आपने रॉड ऐसे बनाई बस। नहीं, पूरा रॉड, ये तो पूरा लूप तो एक्चुअल में ऐसे ही है, ये तो कट करता हुआ जाएगा फील्ड को, पर हमने शॉर्टकट क्या किया, शॉर्टकट ये किया, अगर वायर टेढ़ी मेढ़ी है तो आपने तो ए और बी को ज्वाइन कर देना है, तो आपकी वायर देखो ना ऐसी है, तो आपने लेनी नहीं, आपने पी और आर को ज्वाइन कर देना है। तो आपके हिसाब से आपका क्वेश्चन सिर्फ ये है, तो ये पूरा लूप राइट जा रहा है, तो लेंथ टू आर है और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। मैं इसको एक और तरीके से करना चाहता हूं, इसको जरा ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सपोज ये आपके सामने एक, ये सेम क्वेश्चन है, ये लो, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये जो रेडियस है आर है, रेडियस आर है, ये भी कितना है आर है, ये भी कितना आर है, और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, वी नॉट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, ये पी है, ये क्यू है और ये एस कर लेते हैं, चलो एस है, एस है, ठीक हो गया यहाँ तक? जो मैंने पहला मेथड किया बिल्कुल सही है, आंसर जीरो ही आएगा, सर उससे छोटा नहीं हो सकता कुछ भी। जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो बड़ा मेथड है, लेकिन आपको सीखना चाहिए उसे, मैं बताऊँगा क्यों सीखना चाहिए। हालांकि आपका जब आपको क्वेश्चन आएगा मेथड वन ही करेंगे सब, मैं भी मेथड वन ही करूँगा, पर कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है, तो आपको ये एक्चुअल समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के इनसाइड है, इनसाइड है, तो मैं इस पूरे सेमी सर्कल को दो हिस्सों में बांटता हूँ, ये पहला पी से क्यू और दूसरा क्यू से एस, तो मैं दो बार लगाऊंगा, मैं इसमें अलग लगाऊंगा ईएमएफ, इस पोर्शन में अलग लगाऊंगा, फिर पूरे में ऐड करूंगा, देखता हूँ क्या करना है। तो अगर मैं पी से क्यू को कंसिडर करूँ, पी से क्यू तक ज्वाइन कर दिया, क्योंकि पी से क्यू तो कर्व है, हमें क्या लेना है, स्ट्रेट डिस्टेंस, तो स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है, ये स्ट्रेट, तो मेरे हिसाब से रॉड ये ग्रीन कलर की रॉड है, सही है, शॉर्टकट यही है ना, डिस्प्लेसमेंट लेनी है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये बनेगी, तो ये रॉड है और ये आर है, ये आर है, तो ऑब्वियसली ये कितना है, रूट टू आर है, लेंथ रूट टू आर है, ये रॉड राइट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी, वी नॉट, राइट, क्लियर है, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना है, 45 है, तो ये एंगल भी कितना है, 45 है, ये भी क्लियर है। इसके अंदर, इसके अंदर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, एक कंपोनेंट यहां बनेगा कितना, वी नॉट कॉस ऑफ 45, और एक यहां बनेगा, बोलो कितना, वी नॉट साइन ऑफ 45, क्लियर है। वी कॉस 45 लेंथ के अक्रॉस है तो ईएमएफ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, V साइन 45 लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ कंट्रीब्यूट करेगा, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या बनेगी इसमें, B लेंथ की जगह रूट टू आर और V की जगह V नॉट इंटू साइन ऑफ, साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, वन बाय रूट टू कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, B R V नॉट, क्लियर है यहां तक? तो मेरा आंसर क्या आ गया ईएमएफ का, B R V नॉट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज इसके साथ करें, ये मेरी रॉड बन जाएगी सेकंड पोर्शन में, ये रॉड आगे मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, सेम लॉजिक है इसका भी,
इसके क्रॉस भी ईएमएफ सेम आएगी अगर आप करेंगे 22 मिट्री बी आर वी नॉट। तो पी और क्यू में ईएमएफ क्या आएगी बी आर वी नॉट, क्यू और एस में ईएमएफ क्या आएगी बी आर वी नॉट। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे पी एंड एस में ईएमएफ निकालनी है कितनी है, मेरे को आधा तो निकालना नहीं था, मेरे को तो पूरा निकालना है एंड टू एंड। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, अगर मैं ये रॉड लेता हूं, ध्यान से ये रॉड लेता हूं, ये रॉड कहां जा रही है, इसका वेलोसिटी ये रहा, फ्लेमिंग का रूल से बताओ इसमें इंड्यूस करंट कैसे पैदा होगा, राइट हैंड बी कैसे है बोर्ड के अंदर, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो वी नॉट साइन 45 इज द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर जो ईएमएफ जनरेट करवा रही है, फर्स्ट फिंगर इधर, थंब रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ कंडक्टर वी नॉट साइन 45, तो करंट कहां आएगा ऊपर, बी थंब करंट ऊपर, तो करंट कैसे आएगा ऊपर, मोशनल ईएमएफ में करंट इंड्यूस करंट ऊपर आएगा, क्लियर है यहां तक। अच्छा फिर लगाते हैं, इस पे लगा लेते हैं, इस पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का यहां आएगा वी नॉट साइन 45, इसमें इंड्यूस करंट बोलो बी कहां है इस तरफ, मोशन ऑफ कंडक्टर ये रही, करंट कहां आएगा इस तरफ, बी मोशन ऑफ अ कंडक्टर करंट ऊपर, तो करंट कहां आएगा इस तरफ, राइट इंड्यूस करंट इस तरफ है, तो ये टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, इसमें इंड्यूस करंट ऊपर है तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, राइट। अब जिस पोटेंशियल पे ये होगा माइनस पे, उसी पोटेंशियल पे ये होगा माइनस पे, तो अगर मैं ये पूछूं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आंसर क्या आएगा जीरो, इसलिए मेरा आंसर क्या था जीरो। पर कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मेरे को P और S में निकालना ही नहीं है EMF, मेरे को तो P और Q में निकालना है, फिर क्या करोगे, फिर कोई शॉर्टकट नहीं, फिर ये लगाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, कल को वो ये भी कर सकता है आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है आधे रीजन में 2B0 है, फिर क्या करोगे, फिर तो पक्का ही लगाना पड़ेगा ये तरीका। तो ये तरीका इंपॉर्टेंट है, जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। हाँ, अगर वो P और S में पूछता है, जैसे P और S में पूछ रहा था या P और एंड में पूछ रहा है, फिर शॉर्टकट चलता है तो चला लो। हाँ, अगर बीच में कोई पार्ट आता है फिर कोई तरीका नहीं है, फिर तो आपको ये रूल लगाने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इन क्वेश्चंस को, ठीक है।